स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पासे बनावेल सरदार पटेल झूलॉजिकल पार्क 375 एकर में फैलायेल छे। सैकड़ों देश विदेश प्राणी पक्षीओनु योग्य रीते संरक्षण अने संवर्धन नी प्रवृत्तिनी साथे साथे जनजागृति शैक्षणिक कार्यक्रमों पण हाथ धरवामां आवे छे। हालना समय में उनाळामां अत्रे समावेश करायेला सैकड़ों प्राणी पक्षीओनी एक परिवारजननी जेम सविशेष काळजी राखवामां आवी रही छे। प्रत्येक प्रजातिना प्राणी पक्षीओ माटे खास डायट प्लान अंतर्गत खास भोजननी व्यवस्थाओ करवामां आवी रही छे। केटलाक विदेशी वांदर प्रजाति अने पक्षीओ माटे खास प्रकारना फळोना रस अने फळोने फ्रोझन करी तेना आइस क्यूब अने पॉप्सिकल्स बनावीने पण आपवामां आवी रह्या छे। आ साथे साथे प्राणी पक्षीओ जागृत रहे ते माटे तेमनी मनपसंद प्रवृत्तिओ पण हाथ धरवामां आवी छे। जंगल सफारीमां रहेला तमाम प्राणी पक्षीओने गरमीमां रक्षण मळे ते माटे जरूरियात मुजब एर कूलर एसी पंखा સહિતની આધુનિક સુવિધાઓ ઊભી કરવામાં આવી છે અને વિદેશી અને ભારતીય બર્ડ એવિયરી અને કેટલાક પિંજરામાં ખાસ સ્પ્રિંકલર મૂકીને પાણીનો સતત છંટકાવ પણ કરવામાં આવી રહ્યો છે જેના કારણે પ્રાણી પક્ષીઓ ગરમી સામે રક્ષણ મળી રહે। પ્રત્યેક પિંજરામાં નાના મોટા પાણીના તળાવ બનાવવામાં આવ્યા છે। હિપ્પોપોટેમસ ભારતીય ગેંડો ભારતીય ગોર અને રીંછ તથા હરણ સહિતના વિભાગમાં આવેલ તળાવમાં પ્રાણીઓને ગરમી અને લૂ સામે રક્ષણ આપી રહ્યા છે। તો અત્રે આવેલ પેટ ઝોન ખાતે નાના પ્રાણી પક્ષીઓ કે જે મોટા ભાગે વિદેશથી લાવવામાં આવેલ છે જેમના માટે પણ એર કુલર સહિતની વ્યવસ્થા ઊભી કરાઈ છે। જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં પતરાના શેડ બનાવવામાં આવ્યા છે। મેરા નામ વિપુલ ચક્રવર્તી હે, મેં નિર્દેશક સરદાર પટેલ ઝૂલોજિકલ પાર્ક સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી। જૈસે આપ લોગો કો માલૂમ હે કે ગરમી કા મોસમ ચલ રહા હે ઓર મે સબસે ગરમ મોસમ માના જાતા હે જો કે ફિર જૂન મે મોનસૂન સે ફોલો અપ હોતા હે। तो इस मई महीने में हमारे यहाँ पे विभिन्न देशों से जो पक्षी और दूसरे जीव लाए गए हैं दर्शकों के लिए यहाँ पे हम लोग रखे हुए हैं, तो उनके रख रखाव में हम लोगों को काफ़ी वेरिएशंस करना पड़ता है जिससे कि गर्मी से इन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो जिस तरह ह्यूमंस में हम लोग एसीज का इस्तेमाल करते हैं, डेजर्ट कूलर्स का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह इन जीव जंतुओं के लिए भी एसी का भी प्रोविजन किया गया है, डेजर्ट कूलर्स का भी प्रोविजन किया गया है, माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करने के लिए मिस्टिंग्स और उस तरह से वाटर स्प्रेज किए जाते हैं खासकर पक्षियों के पिंजड़ों में, जिससे कि वहां का एक तापमान एक निर्धारित उसी में मापदंड में रहे और वहां पे एनिमल्स को कोई दिक्कत ना हो। साथ ही में इनका जो दिनचर्या रहता है, अत्यधिक गर्मी के कारण इनका दिनचर्या जिससे ये ना खराब हो और इनका नॉर्मल वे ऑफ लाइफ कंटिन्यू करें, तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनरिचमेंट करते हैं, जिसमें आजकल खास एनरिचमेंट किया जा रहा है फ्रोजन फ्रूट्स का, जो हम बंदरों में दे रहे हैं, पक्षियों में दे रहे हैं, जिससे कि वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उसमें व्यस्त रहते हैं अपने खाना को वो बर्फ के उसमें से निकालने में, तो इससे उनका वो वे ऑफ लाइफ भी कंटिन्यू रहता है, एक्टिव रहते हैं पूरे दिन। और साथ में जो मेडिकल अटेंशन है, हमारे यहाँ एक टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं जो 24 घंटा इनका हेल्थ का स्वास्थ्य का मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और साथ साथ में अगर उनको लगता है कि भाई कोई एनिमल डिहाइड्रेटेड हो रहा है तो तुरंत उसका निवारण भी करते हैं और उस तरह से एनिमल्स का देख रेख यहाँ पे समर में हो रहा है। दीपक जगताप नो रिपोर्ट राज पिपड़ा। अमारी तमाम माहिती थी अपडेट रहवा माटे जोड़ायेला रहो S9 न्यूज साथे।